हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, आज की एग्जांपल आपको समझाने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं ASP.NET की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, और अगर मेरे वीडियोस ट्यूटोरियल जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके कि मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। और अगर आज की एग्जांपल है कि कैसे हमने जो है ग्रिड व्यू के अंदर जो है रोज़ का जो कलर है वो क्लाइंट साइड पे ही सिलेक्शन के टाइम जो है चेंज करना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको रनिंग एग्जांपल की जो है वर्किंग समझा दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कैसे बड़े ही इजी वे के साथ जो है ये वाली जो एग्जांपल जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी आपको जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कई बार हमें ग्रिड व्यू के अंदर जो है रोज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बता देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा जो हेडिंग है इस एग्जांपल का, वो है चेंज कलर ऑफ रो इन ग्रिड व्यू ऑन सिलेक्शन। और जैसे ही मैं किसी रो को सिलेक्ट करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर रो जिसको मैंने चेकबॉक्स के थ्रू सिलेक्ट किया है, उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अगर मैं किसी और रो के ऊपर जो है चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा, तो मेरी वो रो का जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करूँगा, तो मेरी जो रो है उसका कलर वापस उसी कलर में आ जाएगा जिस कलर में वो पहले थी। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो इस रो का भी जो कलर है वो पहले जैसा हो जाएगा। मतलब कि कलर जो उसका वो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने वाइट रखा है, तो सिलेक्शन टाइम पे वो ग्रीन हो जाएगा, और जैसे ही मैं रो को अनसेलेक्ट करूँगा वो वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं तीनों रो को सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये तीनों रोज़ ग्रीन हो जाती हैं, और अगर मैं किसी एक रो को अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो वो पर्टिकुलर रो वाइट कलर में हो जाती है। तो इस तरह की एग्जांपल है आज की हमारी। इस एग्जांपल के अंदर मैंने जो है जावास्क्रिप्ट यूज़ की है, क्योंकि अगर आप कोई क्लाइंट साइड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरी जो ASP.NET का पेज है वो कंपाइल होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी सर्वर के ऊपर, जो डेटा मैंने वापस सेंड किया है। तो मेरे पास दो नेम्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इस तरह की हमारी आज की एग्जांपल है। तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं कैसे आपने बड़े इजी वे के साथ डेवलप करना है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं एक नया वेब फॉर्म लेके आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इस तरह की एग्जांपल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और उसके बाद में न्यू आइटम, और यहाँ से वेब फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। वेब के अंदर वेब फॉर्म है हमारा, और यहाँ पे आप जो है वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरा जो नया वेब फॉर्म है वो आ चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि इसका डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। वैसे तो आपको पता ही है डिज़ाइन, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं इसके रिलेटेड। तो डिज़ाइन तो बहुत ही इजी वे है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए फिर भी अगर आपने मेरे पहले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपने डिज़ाइन जो है तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं एक लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, तो ये मेरे टूल बॉक्स के अंदर एक कंट्रोल है जिसका नाम है लेबल। तो लेबल का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोरर के अंदर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये टेक्स्ट जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ASP.NET के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज कलर ऑफ ग्रिड व्यू रो इन ASP.NET एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो चलिए ग्रिड टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू को इंसर्ट कर देते हैं।
तो ये मेरा ग्रिड व्यू वाला कंट्रोल है, तो इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मैंने एक बटन इंसर्ट करना है यहाँ पे, और इस बटन का जो नेम है वो मैं रख देता हूँ सबमिट। वो सबमिट बटन के बाद मैंने एक यूज़ करना है वो है लिस्ट बॉक्स। तो ये है मेरा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा मेरा लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वेब फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। और अब मैंने जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है अपने प्रोजेक्ट की। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने के लिए मैंने जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है अपना SQL सर्वर के अंदर। तो मैं दिखा देता हूँ कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। अगर आप SQL सर्वर के साथ वर्क कर रहे हैं तो मैनेजमेंट स्टूडियो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसकी हेल्प के साथ आप जो है बड़े इजी वे के साथ जो है डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल का जो डेटा है वो अपडेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी रहता है SQL सर्वर के साथ जो है विदाउट किसी SQL क्वेरी को यूज़ किए बिना ही माउस की हेल्प के साथ ही जो है आप सारे ऑपरेशन जो हैं परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरे सर्वर का नेम आप देख रहे हैं विकास PC SQL Express। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जो मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो हो चुकी है। तो डेटाबेस के अंदर जो है मैं आपको बता दूं कैसा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे डेटाबेस का नेम है जो मैं इस एग्जांपल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट डेटा, और इसके अंदर जो टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन है। तो जो मैंने कॉलम यूज़ किए हैं वो किए हैं रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, सिटी, और जो इसके अंदर मैंने डेटा एंटर कर रखा है वो ये तीन रोज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखी हैं। चलिए एक रो और एंटर कर लेते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं। और ये थी मेरे जो डेटाबेस और उसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ करना है अपने एग्जांपल के अंदर वो आपको मैंने दिखा दिया है। तो चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं, क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट है जो है वो आगे कंटिन्यू करना है। तो अगला जो स्टेप है वो है टूल बॉक्स में से जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाने के लिए कंट्रोल यूज़ करना है वो है SQL डेटा सोर्स। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इस डेटा सोर्स को जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कॉन्फ़िगर करने के लिए जो डेटा सोर्स है वो है न्यू कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने अपने सर्वर का नेम लिखना है। तो मेरे जो सर्वर का नेम है वो है विकास PC SQL Express, और जो ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, इसलिए मुझे यूज़र नेम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और डायरेक्टली मैं यहाँ से डेटाबेस देख लूँगा लिस्ट के अंदर। तो जो डेटाबेस है मेरा वो आ चुका है। तो मेरा जो डेटाबेस का नेम है वो है स्टूडेंट डेटा। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है कनेक्शन। इसको ओके कर देते हैं और फिर से नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेबल है वो आ चुका है नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा सारी ऑप्शंस को। बस आपने क्या करना है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और एक बार टेस्ट करके देख ले क्वेरी, बिल्कुल ठीक है। इसको फिनिश कर देते हैं। तो अगला जो स्टेप है वो है ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करना। तो ग्रिड व्यू का पहले फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है ऑलरेडी बने बनाए फॉर्मेट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे .NET के अंदर। तो यहाँ से मैं अपना फेवरेट जो स्कीम है वो यूज़ करता हूँ ब्राउन शुगर, इसको अप्लाई कर देता हूँ ओके। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ SQL डेटा सोर्स 1, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एडिट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करना है।
और हर एक हेडर को जो है हम उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, और नेक्स्ट के ऊपर लिख देते हैं फादर नेम, और उसके बाद में फोर्थ जो मेरा फील्ड है उस पर लिख देते हैं सिटी। तो अब आपने क्या करना है, अब मैंने जो है चेकबॉक्स यूज़ करना है अपने एक कॉलम के अंदर, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इसके लिए मुझे एक टेम्पलेट फील्ड नाम का जो है फील्ड जो ऐड करना पड़ेगा। तो ये मेरा टेम्पलेट फील्ड है, इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसका जो हेडर टेक्स्ट है उस पर लिख देते हैं सिलेक्ट। तो इसके अंदर जो हमने वो है हर एक डेटा जो है, तो ये देखिए जो डेटा मैंने है वो सेंटर के अंदर किया हुआ है, हर जो कॉलम है वो सेंट्रली अलाइंड है। तो यहाँ से आप उसको सेंटर्ड कर सकते हैं। रोल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, आइटम स्टाइल हॉरिजेंटल इसको भी सेंटर कर देते हैं, स्टूडेंट नेम आइटम स्टाइल इसको भी सेंटर्ड कर देते हैं, फादर नेम इसको भी आइटम स्टाइल सेंटर्ड कर देते हैं, और इसी तरीके से सिटी सिटी को भी आइटम स्टाइल और यहाँ से सेंटर्ड, और इसको ओके कर देते हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है कैसे हमने जो है इस रो के अंदर जो है चेक बॉक्स को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मेरे पास है एडिट टेम्पलेट, और यहाँ पे जो है आइटम टेम्पलेट के अंदर मैंने जो है यहाँ से टूल बॉक्स में से जो चेक बॉक्स है उसको इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मैं चेक बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा चेक बॉक्स जो है वो टेम्पलेट के अंदर आ चुका है। तो इसको मैं एंड कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास चेक बॉक्सेस जो है डिस्प्ले हो चुके हैं। तो अगला जो मेरा स्टेप है वो है कैसे मैंने जो है जावास्क्रिप्ट जो है अप्लाई करनी है। तो मैं सोर्स में जाऊंगा और सबसे पहले देखूंगा बॉडी कहाँ पे है। ये मेरी बॉडी वाला टैग है, तो इसके ऊपर जो हैड टैग है, तो हैड टैग के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है। तो जो कोडिंग है वो ऑलरेडी मैंने कर रखी है, तो ये सारी कोडिंग की जो फाइल है मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। गूगल ड्राइव का जो है लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली कोडिंग है, स्क्रिप्ट वाली कोडिंग, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बड़ी सिंपल कोडिंग है, कोडिंग में मैंने दिखाया है कि अगर चेकबॉक्स ट्रू होगा तो उसकी कलर ये वाला हो जाएगा बैकग्राउंड, कहने का मतलब वाइट हो जाएगा। अगर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट और ब्लैक कर देंगे, तो इस तरह आप जो है कलरिंग चेंज कर सकते हैं बड़े इजी वे के साथ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो इस कोडिंग को आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं और सिंपली मेरी जो फाइल है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप है वो है आइटम टेम्पलेट के अंदर जो चेकबॉक्स है हमारा, टेम्पलेट फील्ड देखो पहले कोड के अंदर, उसमें आइटम टेम्पलेट होगा। तो आइटम टेम्पलेट के अंदर जो चेक बॉक्स है उसको उसमें जो कोडिंग करनी है वो ये वाली कोडिंग है। तो ये मेरे पास चेक बॉक्स है, तो मैं उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग अप्लाई कर दूंगा कि जैसे ही कोई उसके ऊपर क्लिक करे तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन है वो कॉल हो। तो ये मेरी जो है जावास्क्रिप्ट वाली कोडिंग है, जावास्क्रिप्ट कलर चेंज वाला फंक्शन कॉल करना है मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कलर चेंज वाला ही जो है फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें मैंने दिस वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पास किया है। तो दिस का मतलब है जिस चेक बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो चेक बॉक्स यहाँ से पास होगा और यहाँ पे जो है पैरामीटर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर जो है कोडिंग करनी है चेक बॉक्स के ऊपर। तो बस अब क्या है, अब हमारी जो मेन कोडिंग है वो है सबमिट बटन के ऊपर जो करनी है हमने। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा जो कोड एडिटर है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमने कोडिंग करनी है वो तीसरे नंबर पे मैंने दी हुई है, सबमिट बटन क्लिक कोडिंग। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो काफ़ी ईजी कोडिंग है, आप इसको समझ सकते हैं बड़े ही ईजी वे के साथ। मैंने एक फॉर लूप को यूज़ किया है, तो बार बार फॉर लूप के थ्रू मैंने जो है चेक बॉक्स को चेक किया है कि वो चेक्ड है कि नहीं है। अगर तो वो चेक्ड है तो उसको मैंने लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है ऐड कर दिया है। तो ये कोडिंग है हमारी बटन क्लिक के ऊपर। तो चलिए प्रोजेक्ट पूरी तरह रेडी है हमारा, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार।
तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, तो चलिए रोज़ को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जितनी रोज़ मैंने सिलेक्ट की हैं उनका सारा डेटा जो है लिस्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की एग्जांपल के किस तरह हमने जो है ग्रिड व्यू को, जैसे ही किसी रो को सिलेक्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज करना है। तो इसके लिए आपने सीखा कि कैसे आपने जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है फंक्शन क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस जो है अच्छी लगती हैं या इस वीडियो से कुछ आप सीख रहे हैं नया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर अदर ट्यूटोरियल्स मेरे देखना चाहते हैं तो आप अदर वीडियोस के लिंक्स भी इस वीडियो के साइड में जो आप देख रहे हैं उनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं।